फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं को कन्फ्यूज़न होती है कि उन्हें प्रेग्नेंट होने के लक्षण महसूस हो रहे हैं या पीरियड्स आने के लक्षण महसूस हो रहे हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लक्षण और पीरियड्स आने के लक्षण एक जैसे होते हैं। ऐसे में इन लक्षणों के बीच अंतर को पहचानने में महिलाओं को गलतफहमी हो जाती है और बहुत सी महिलाओं को शिकायत होती है कि उन्हें प्रेगनेंसी के सब लक्षण महसूस होते हैं लेकिन हर बार पीरियड्स आ जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने पर भी हर बार पीरियड्स क्यों आ जाते हैं और साथ में हम जानेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको पीरियड्स आने के लक्षण महसूस हो रहे हैं या प्रेग्नेंट होने के लक्षण महसूस हो रहे हैं, जिससे आपको साफ साफ पता लग सके कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट दक्ष पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे जरूर दबाएं और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जो महिलाओं को लक्षण महसूस होते हैं, कई बार ऐसे ही सेम प्रेगनेंसी के लक्षण पीरियड आने से पहले भी महिलाओं को महसूस होते हैं और महिलाएं समझ लेती हैं कि ये लक्षण प्रेगनेंसी होने के हैं। और मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं, हमें प्रेगनेंसी के लक्षण हर बार महसूस होते हैं लेकिन हमें हर बार पीरियड्स आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या हम कोई गलती कर रहे हैं जिससे हमारी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है? फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, महिलाओं को जब भी पीरियड्स आने वाले हों उन्हें हर बार प्रेगनेंसी जैसे लक्षण महसूस होते हैं लेकिन महिलाएं इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन जब कोई महिला असुरक्षित तरीके से रिलेशन बनाती है और वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है और उसे डर होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए और वो इंटरनेट पर प्रेगनेंसी के लक्षण सर्च करती है और फिर अपनी बॉडी में वह प्रेग्नेंट होने के लक्षण महसूस करती है और इन लक्षणों पर ध्यान देने लगती है, जबकि ये लक्षण उन्हें पहले भी महसूस होते थे जब उन्हें पीरियड्स आने वाले हों, लेकिन कभी वह उस पर ध्यान नहीं देती थी। और जब वह रिलेशन बनाती है और वह प्रेगनेंसी नहीं चाहती है लेकिन उसे लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो जाएगी, तब वह इन लक्षणों पर ध्यान देने लगती है। लेकिन ऐसे लक्षण उसे पहले भी महसूस होते थे लेकिन पहले वह इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देती थी। और दूसरा, वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही होती हैं और उन्हें हर महीने आशा होती है, उम्मीद होती है कि वह कंसीव कर लेंगी और वह इन लक्षणों पर ध्यान देने लगती हैं और कई बार ये लक्षण पीरियड आने के होते हैं और उन्हें लगता है कि वह प्रेग्नेंट है और जब उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं तो उनकी उम्मीद टूट जाती है। इसलिए ऐसे में महिलाओं को पीरियड आने के लक्षण और प्रेग्नेंट होने के लक्षणों को पहचानना जरूरी होता है कि पीरियड्स आने के और प्रेग्नेंट होने के लक्षणों में क्या अंतर होता है, ताकि आप जान सकें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। फ्रेंड्स, पीरियड्स के समय अक्सर वाइट डिस्चार्ज, ब्रेस्ट में पेन, पेट में दर्द, कमजोरी, थकान, बार बार यूरिन पास करने का मन होता है और ब्लीडिंग होने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो भी ऐसे ही लक्षण महिलाओं को महसूस होने लगते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी और पीरियड के लक्षणों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोनों के लक्षणों में एक बारीक सा अंतर होता है। हालांकि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, इसे जानने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे बेहतर उपाय है, लेकिन उसे आपको पीरियड के 8 से 10 दिन बाद ही करना चाहिए। इसलिए उससे पहले पता लगाने के लिए आपको प्रेगनेंसी के लक्षण पर ध्यान देना होता है। आइए जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस हो रहे हैं जब पीरियड्स आने के आप कैसे पता लगा सकते हैं। पहला है वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज पीरियड आने से पहले और प्रेगनेंसी होने पर वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन इसमें बारीक सा अंतर होता है। पीरियड आने के समय वाइट डिस्चार्ज थोड़ा पतला होता है लेकिन गाढ़ा और थिक नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी होने पर वाइट डिस्चार्ज गाढ़ा और थिक होता है। बिल्कुल देही की तरह आपके प्राइवेट पार्ट से सफेद डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज थोड़ा चिपचिपा और बिना स्मेल वाला होता है। इस तरह का वाइट डिस्चार्ज साफ संकेत देता है कि आपने कंसीव कर लिया है। दूसरा लक्षण जो पीरियड आने से पहले और प्रेगनेंसी होने पर महिलाओं को महसूस होता है, वो है पीरियड और प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग। फ्रेंड्स, पीरियड और प्रेगनेंसी दोनों में ब्लीडिंग होती है। पीरियड आने से पहले स्पॉटिंग नहीं होती है, पीरियड शुरू होने पर ब्लीडिंग का फ्लो बढ़ जाता है जो कम से कम 1 हफ्ते तक रहती है। और प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में प्राइवेट पार्ट से हल्की ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का रंग पिंक और डार्क ब्राउन कलर का होता है और ये स्पॉटिंग 1 या 2 दिन तक होती है, लेकिन जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो कम से कम 1 हफ्ते तक रहती है। और प्रेगनेंसी लगने की ब्लीडिंग में थक्के नहीं आते हैं, सिर्फ
पतला खून निकलता है और पीरियड्स के समय थके नजर आते हैं। बस प्रेगनेंसी लगने की ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में यही डिफरेंस होता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी लगने की ब्लीडिंग है जब पीरियड्स होने की ब्लीडिंग है। तीसरा लक्षण है पीरियड आने से पहले और प्रेगनेंसी होने पर मूड स्विंग होना। फ्रेंड्स, पीरियड्स में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मन उदास होना, दुखी होना जैसा एहसास होता है। हालांकि पीरियड्स की शुरुआत होने पर ये लक्षण गायब हो जाते हैं और ये लक्षण पीरियड आने के एक दो दिन पहले होते हैं और पीरियड की शुरुआत होने पर ये लक्षण गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी होने पर चिड़चिड़ापन, मन उदास, गुस्सा आना और बेचैनी महसूस होना जैसा एहसास महिलाओं को लगातार होता है और ये एहसास प्रेगनेंसी के 1 से लेकर 3 महीने तक होता है, बल्कि पीरियड्स आने पर ये एहसास 1 से 2 दिन तक होता है और पीरियड होते ही खत्म हो जाता है और आपका मूड पहले जैसा हो जाता है। चौथा लक्षण है पेट में दर्द, जो पीरियड्स और प्रेगनेंसी के समय महसूस होता है। फ्रेंड्स, पीरियड्स और प्रेगनेंसी दोनों में पेट में दर्द होता है, लेकिन पीरियड आने से पहले और प्रेगनेंसी होने पर जो पेट में दर्द होता है उसमें थोड़ा अंतर होता है। प्रेगनेंसी होने पर जब भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है तो उस समय पेट में हल्का सा दर्द महसूस होता है और कुछ महिलाओं को ये दर्द महसूस भी नहीं होता है, लेकिन पीरियड आने से पहले पेट में बहुत तेज दर्द होता है और पूरे शरीर में थकान और ऐंठन महसूस होती है। छठा लक्षण है पीरियड और प्रेगनेंसी दोनों में थकान महसूस होती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। पीरियड होने से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने से थकावट बढ़ जाती है। ये थकावट महिलाओं को लगातार महसूस नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में थकावट एक आम लक्षण है। अक्सर ये पहले 3 महीने तक लगातार बनी रह सकती है और कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने तक भी थकान महसूस होती है। सातवां लक्षण है प्रेगनेंसी में उल्टियाँ। प्रेगनेंट होने पर बहुत सी महिलाओं को उल्टियाँ होती हैं, जो उल्टी करने का मन होता है, जो साफ संकेत देता है कि आपने कंसीव कर लिया है। लेकिन पीरियड आने से पहले महिलाओं को उल्टियां नहीं होती हैं और ना ही मन खराब होता है। आठवां लक्षण है प्रेगनेंसी होने पर कुछ अलग सा खाने की इच्छा होती है, जैसे कुछ चटपटा और खट्टा खाने का महिलाओं को मन करता है, जो साफ संकेत देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन पीरियड आने से पहले कुछ भी स्पेशल खाने का मन नहीं करता है। नौवां लक्षण है अगर आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और ऐसा आपको पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ है तो ये प्रेग्नेंट होने का एक साफ संकेत हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है आपके पीरियड पहले जैसे नहीं आए हैं, जैसे पहले आते थे वैसे अब पीरियड्स नहीं हुए हैं आपको, तो वो ब्लीडिंग खत्म होने के 4 से 5 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये थे पीरियड्स और प्रेग्नेंट होने के लक्षणों में अंतर। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।